आज दुनिया जल संकट की समस्याओं से जूझ रही है। दिन प्रतिदिन विकट होते जा रहे जल संकट से मुक्ति की पुकार सब तरफ सुनी जा सकती है। पानी पर बात करने के लिए सभी तैयार हैं, किंतु आश्चर्य है कि पानी बचाने और उसका सही प्रबंधन करने के प्रश्न पर सीधी भागीदारी की बात जब आती है तब लोग किनारा कर जाते हैं। सब जानते हैं कि जल जीवन का पर्याय है, पर उसी जल के जीवन के लिए सार्थक हस्तक्षेप से आनाकानी करने की आदत से बाज नहीं आते हैं। हम जानते हैं कि जल के बिना जीवन की कल्पना अधूरी है। हम जानते हैं कि जल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका इस्तेमाल करते वक्त हम यह भूल जाते हैं कि बेतरतीब इस्तेमाल हक हमें किसी ने नहीं दिया है। हम जल का दोहन करना तो जानते हैं, किंतु उसके संरक्षण में हमारी रुचि जवाब देने लगती है। हम यह भी जानते हैं कि कुछ घंटे या कुछ दिनों तक भूखे तो रहा जा सकता है, पर पानी पिए बगैर कुछ दिनों के बाद जीना भी मुमकिन नहीं है। फिर भी अफसोस की बात है कि हम जल का दुरुपयोग एवं उसकी उपेक्षा करने के आदि हो गए हैं। अब समय की मांग है कि जल संसाधनों के प्रबंधन को हमें निजी जीवन ही नहीं सामाजिक सरोकार से जोड़कर आगे कदम बढ़ाना चाहिए तथा इसके लिए स्थायी तरीके खोजने चाहिए। वहीं स्थायी जल प्रबंधन की रणनीति में भारत की युवा शक्ति का समुचित निवेश करना चाहिए। इधर यह खबर भी हौसला बढ़ाने वाली है कि जल प्रबंधन पर शोध के लिए होनहार युवक आगे आ रहे हैं। कई युवाओं को इस संदर्भ में अनेक पुरस्कार भी मिल चुके हैं। जल संरक्षण एवं प्रबंधन के कार्य में अनेक युवा आज शोधरत हैं। यहाँ इस उल्लेख का तात्पर्य है कि हमारे युवाओं में योग्यता, लगन, जुनून, जज्बा सब कुछ है, जिनका इस्तेमाल पानी के सवालों को हल करने के साथ ही सही ढंग से सही समय पर किया जाए तो बात बन जाए। कौन नहीं जानता कि पानी प्रकृति की सबसे अनमोल धरोहर है। यह विश्व सृजन और उसके संचालन का आधार है, मानव संस्कृति का उद्गाता है, मानव सभ्यता का निर्माता है। पानी जीवन के लिए अनिवार्य है। पानी के बिना जीव जगत के अस्तित्व और सांसों की यात्रा की कल्पना भी संभव नहीं है। फिर भी सभी लोगों को पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल
पाता है। खेती किसानी की आशाएं पानी के अभाव में धूमिल हो जाती है। नदियों का कल कल नाद कब अवसाद में बदल जाएगा कोई नहीं जानता। जलाशयों का जीवन कब ठहर जाएगा कह पाना मुश्किल है।